हेलो, मैं आबिदा खुर्शीद। मुझे 2010 में आर्थराइटिस का बहुत पेन हुआ था, बहुत सीवियर आर्थराइटिस अटैक हुआ था। तो कलकत्ता में मैं इलाज कराई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और डॉक्टर बोलने लगे रिप्लेसमेंट करना होगा, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। तो मैं बहुत अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे कोई ऐसे डॉक्टर मिले जो मुझे बचा ले ऑपरेशन से। तो अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब डॉक्टर ओपी गर्ग सर का पता चला मुझे इंटरनेट के ज़रिया। तो मैं 2011 में यहाँ आकर के अपना इलाज कराना इनसे शुरू की। इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद उसके बाद कुछ आराम हुआ, कुछ एक इंजेक्शन दिए उससे आराम हो गया। उसके बाद 2012 में फिर मैं आई चेकअप के लिए, कुछ तकलीफ़ थी तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा पीआरपी थेरेपी कराने के लिए। पीआरपी थेरेपी क्या होता है उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया बताया, फिर मैंने कराया। मैंने पीआरपी थेरेपी, तीन थेरेपी होता है 15-15 दिन पे, वो मैंने कराया। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके लिए जो फॉलो ऑन में रहना था वो मैं रही। जो मुझे एक्सरसाइज करना, वेट कम करना, डॉक्टर साहब ने जो जो कहा मैंने फॉलो किया उसको, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब डॉक्टर साहब ने कहा 5 साल की गारंटी है, इससे आपकी हड्डी घिसेगी नहीं, ये बीच में आ जाएगा प्लेटलेट, पीआरपी थेरेपी होता कार्टिलेज। है कार्टिलेज जो है अच्छा वो आपका घिसेगा नहीं, वो अच्छा रहेगा। तो आराम रहा मुझे बहुत, और मैंने अपनी बेटी की शादी की, उसको भी अच्छे से इंजॉय किया, बेटा की शादी की। और फिर मैं 2017 में उमरा हज करने गई, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत चलना होता है, बहुत तवाफ करना होता है, घूमना होता है और दुआएं माननी होती, बहुत सारी इबादत होती, सब अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत अच्छे से किया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और पेन किलर भी मेरा करीब छूट ही गया, मैं बहुत कम पेन किलर खाती हूँ, भी बहुत ज़्यादा मैं जब अपने पाँव को वर्क करवा देती तब कभी खाना होता, वैसे ज़्यादा खाना नहीं होता। मेरी बेटी ने कहा भी कि आपका तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया है कि आपको, मम्मी आप तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं, मेरी बेटी ने कहा। और डॉक्टर साहब का उस वक्त बहुत वो नाम ली कि बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने, शुक्रिया इनका। और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि 5 साल गारंटी, लेकिन मेरा 7 साल बहुत आराम से चला, सब चलते फिरते अच्छा से चला। उसके बाद मैंने सोचा कि अब 7 साल हो गया, 2012 में हुआ था। फिर डॉक्टर साहब से मैं हर साल फॉलो ऑन में आती, कलकत्ता से मैं हर साल आती दिल्ली, आकर के मैं डॉक्टर साहब से मिलती। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ अपना, कि जब तबीयत ठीक नहीं रहती है या कुछ तकलीफ रहती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता ना आसपास, इसलिए हेल्थ का केयर करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके घुटने का दर्द, चलना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर एक बार फिर करा लेती हूँ तो मेरा कार्टिलेज सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, लेकिन ऐसा कोई पहले जैसा भी नहीं है ना, पहले जैसा नहीं, बिल्कुल मैंने बहुत अच्छा ना, अब उतना सूजन ना, पहले जैसा कोई दर्द तकलीफ कुछ नहीं है, वो सब नहीं। बस नीचे बैठना जो मना था तो मैं नीचे नहीं बैठती, चेयर पे बैठती, लेकिन कभी कभी कहीं अगर बैठने की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसा महफिल होता है तो वहाँ पे मैं बैठ भी जाती, नीचे थोड़ा आउट भी जाती आराम से। तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अब मैं 2020 में फिर से मैं थेरेपी कराने आई हूँ और 1 महीना मैं यहाँ पर रही हूँ दिल्ली में, और मेरा फिर ये तीसरा, 3 बार हो गया। 24 तारीख 24 अक्टूबर, 6 नवंबर, आज 19 नवंबर, तो मेरा 3 थेरेपी हो गया है। अब मैं बहुत इत्मीनान हूँ, बहुत अंदर से खुश हूँ कि फिर मैं 10 साल इंजॉय करूँगी। और लेकिन मैं हर साल फॉलो ऑन में आती हूँ, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट में रहती हूँ, और जैसा डॉक्टर साहब बोलते हैं वैसा मैं करती हूँ। और आपके आपके साथ में फैमिली सपोर्ट भी तो अच्छा है, आपके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, मेरे घर में सब डॉक्टर साहब के फैन हैं। मम्मी बहुत अच्छा से चल रही हैं, एक बार जिक्र ज़रूर होता है डॉक्टर साहब का। तो और भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछे हैं, मैंने उनको बताया है, यहाँ पे आए भी हैं
उन लोग को भी आराम हुआ है तो बहुत अच्छा है। और हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, जैसे डॉक्टर बोले वैसा माइंडसेट ज़रूर करना चाहिए, वैसा ज़रूर करना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। थैंक यू।